हेलो माई नेम इज़ इम्तियाज हुसैन और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा बैक्टीरिया आर आवर फ्रेंड्स एज वेल एज फोर्स मीनस बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हो और दूसरी साइड पर यह दुश्मन भी कहलाते हैं वाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजफुल एक्टिविटीज हैं जो हम बैक्टीरिया से लेते हैं ऑन दी अदर साइड बहुत सारे ऐसे डिजीज और एक्टिविटीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं तो एक साइड पर ये हमारे दोस्त कहलाते हैं वहीं दूसरी साइड पर हमारे पास हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से दुश्मन भी खेलाते तो हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बहुत यूजफुल एक्टिविटीज एंड हार्मफुल एक्टिविटीज इन केस ऑफ बैक्टीरिया नाव सबसे पहले हम यूजफुल एक्टिविटीज़ में बात करें तो बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है फर्स्ट और एग्रीकल्चर में सबसे पहला हमारा आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखिएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमारे पास हमें पता है कि एटमोसफियर में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारे गैसेज़ प्रेजेंट है उसमें से सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज जो है ना आपके नाइट्रोजन का है दैट इज इ सेवेंटी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स में जिस तरह से ह्यूमन बींगस एनिमल्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकता

में ले जाते हैं ताकि प्लान इसको एब्सॉर्ब कर पाए और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन टू इंटू अमोनिया नाइट्राइट नाइट्राइट में ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये फिक्सेशन हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया और दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं कुछ बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं किसी भी प्लांट रूट के साथ अटैच नहीं रहता फ्रीली वो सॉइल में रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा मीन्स एन टू को आपके किस में कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में नाइट्राइट नाइट्राइट में और फ्री लिविंग में हमारा एजोटोबैक्टर एजोस्पायरलम

रूट के अंदर आने के बाद एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा दे फाइनली इंटू नाइट्राइड नाइट्राइड तो यहाँ पे फिक्सेशन करा रहा है और साथ में रह के बदले में इनको स्पेस मिल रहा और फूड भी मिल जाता है किससे प्लांट से तो यहाँ पे कुछ आपके बैक्टीरिया है राइज़ोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी उन सारे सारे उनमें क्या होते हैं आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होगा उसी तरह से हमारे पास एजोस्पायरोलम जो है ना सरफेस रूट ऑफ सीरियल्स जैसे कि आपका मेस हुआ आपके धान की खेती और राइस हुआ सीरियल्स हुआ सीरियल्स में जितने भी प्लांट्स होते तो हैं उनके सरफेस पर रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है उसी तरह से फ्रेंकिया कैसुराइना नॉन लिगूमिनस प्लांट के साथ जो है ना एलनस एग्जाम्पल है ये बैक्टीरिया इन प्लांट्स के रूट के साथ रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा वहाँ पर जो फिक्सेशन जो है ना तीन तरह से होती है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जो कि इंडस्ट्री में हम कराते हैं फिजिकल प्रोसेस जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन थंडरिंग के टाइम लाइटनिंग के टाइम फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन टूट के आपके अमोनिया फॉर्म में नाइट्राइट नाइट्राइट फॉर्म में चला आता है और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में आपके बैक्टीरिया मेनली इन्वॉल्व है यहाँ पे मैक्सिमम जो फिक्सेशन आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू होती है तो यहाँ पे ये चीज जानिएगा विदाउट बैक्टीरिया जो है ना आपके ये सारे जो है ना नाइट्रोजन एब्जॉर्बल फॉर्म में आएगी नहीं तो बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ से याद रखिएगा सेकेंड चीज़ अमोनीफिकेशन और अमोनिफिकेशन क्या होता है मान लीजिए कोई एनिमल का कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ या कोई डेड डिकेइंग कोई एनिमल मरा उसमें नाइट्रोजन का कम्पाउंड तो है ही अब उस कम्पाउंड को फिर से सॉइल में ले जाने के लिए सबसे पहले उस प्रोटीन या अमोनिया से उठ को तोड़ के अमोनिया फॉर्म में ले आना देट वी कॉल्ड इट इन ए अमोनिफिकेशन मीन्स और इन्हें हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहता है मीन्स कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है है, उसको फिर से हम डिकम्पोज करा के अमोनिया फॉर्म में ले आना वी अमोनिफिकेशन और ये आपका अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है वल्गेरिस। फिर आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये अमोनिया जो है ना अभी भी एब्जॉर्बल फॉर्म में नहीं है मोस्ट ऑफ द प्लांट अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अगेन इनको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्राइट नाइट्रेट में तो इसके लिए हमारे पास दूसरा प्रोसेस चलता है दैट वी इट इन नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया जो आपका फिक्सेशन हुआ था ना ये अमोनिया सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा अमोनिया गेट कन्वर्ट्स इन टू नाइट्राइट दैट इज़ एन ओ टू एंड दिस इज़ डन नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया ठीक है फिर उसके बाद ये नाइट्राइड अभी भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ अच्छे से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ये एन ओ टू दैट इज़ नाइट्राइड इज़ अगेन कन्वर्टेड इन टू अनदर कंपाउंड दैट इज वी इट ए नाइट्राइट और ये होता है आपका नाइट्रोबैक्टर के माध्यम से ये एक बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और ये जो है ना फाइनली एन ओ थ्री दैट इज नाइट्राइट इज रीटली अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ प्लांट और यही नाइट्राइड प्लांट एब्जॉर्ब करके आपके डी एन ए आर एन ए जहाँ जहाँ नाइट्रोजन कंपाउंडस होता है वहाँ पर ये क्या क्या होगा एसिमुलेट होगा और यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा सारे नाइट्रीफाइंग जो आपके बैक्टीरिया होता है ना उसमें एक इंपॉर्टेंट जीन होता है दैट वी नाइट्रोबैक्टर हमारे पास दूसरे नाइट्रोकोकस नाइट्रोसपाइना ये भी ऐसे आपके नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइड में और नाइट्राइड, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज़र्स का हमें पता है कि बैक्टीरिया एक्ट एज़ एन डिकम्पोज़र जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स हैं हर साल जैसे कि पतझड़ वाले मौसम में सारे लीव जो है आपके सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं तो ये लीव वहीं पे ऐसे पड़ा रहा तो आपका न्यूट्रीन का साइकिलिंग नहीं हो पाएगा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो वहाँ पर सॉइल में फिर से मिक्स नहीं होगा तो यहाँ पर डिकम्पोज़र्स बैक्टीरिया एक्ट एज एन ए गुड डिकम्पोज़र्स और ये जो है ना सॉइल की फ़र्टिलिटी को बताता है उसी तरह से हमारा बायोजियो केमिकल साइकिल अभी जैसे हमने बताया बायो बायोमींस लिविंग होता है जियो मीन्स अर्थ केमिकल साइकिल कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल इन सब का जो है ना साइकिलिंग मीन प्लांट के अंदर जो कार्बन या नाइट्रोजन आया वो कंज्यूमर में चला जाएगा और प्लांट्स और कंज्यूमर जब डेथ कर जाएंगे वो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर जो है ना फिर से डिकम्पोजर दैट मीन्स बैक्टीरिया या फंजाई के थ्रू वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल से फिर प्लांट्स में आता है तो ये साइकिल चलता रहता है, तो बायोजियो केमिकल साइकिल में भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कल्चर के बाद रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डायरी इंडस्ट्री डायरी क्या होता है जहाँ पे आपके मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं डायरी कहते हैं तो डायरी इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये चीज़ याद रखिएगा आपके पास लेक्टिक एसिड जो है ना वो एक बैक्टीरिया सिंथिस करता है यही लेक्टिक एसिड की वजह से आपका दूध जो है ना कार्ड में कन्वर्ट होता है फिर इसी कार्ड से हमारे पास घी बटर ये सारा बन के आता है दैट मीन्स बैक्टीरिया ना हो तो लेक्टिक एसिड नहीं बनेगा और लेक्टिक एसिड अगर ना बना तो आपके पास दही भी खाने को नहीं मिल सकता तो बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे याद रखिएगा डायग्राम में देख सकते हैं देखिए ये जो दही बना है इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम जो है ना लेक्टोबेसिलस लेक्टिस कहा जाता है यहाँ पे और यहाँ पे ये यह चीज़ भी याद रखिएगा इस बैक्टीरिया लेक्टोबेसिलस लैक्टिस को ना लेक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में भी यूज होता है और लैक्टिक एसिड जो है ना बहुत सारे फूड प्रजर्वेटिव जो मार्केट में हमारे पास फूड के प्रोडक्ट्स आते हैं या जूस आते हैं उसमें एज ए प्रजर्वेटिव यूज़ किया जाता है नाउ डायरी के बाद रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अदर इंडस्ट्रीज़ बहुत इंडरी से, इंडरी से जहां सारे इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे बैक्टीरिया के ढेर सारे एप्लीकेशन है हमारा एक आता है विनीगर इंडस्ट्री विनीगर जिसे हम लोग क्या कहते हैं सिरका कहते हैं और सिरका जनरली हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं याद रखिएगा कुकिंग के टाइम यूज़ करते हैं बेकिंग और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा सिरका है क्या चीज़ सिरका एक्चुअल में क्या होता है ये एसिटिक एसिड एसेट जो होता है ना एसिटिक एसिड एसेट में जब पानी मिला के थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते तब जाके हमें सिरका मिलता है और यही एसिटिक एसिड जो है ना हमें एक बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करा के देता है दैट इज़ दी एसिटोबैक्टर एसिटाई कि कैसे बनता है इस डायग्राम में लेफ्ट वाले इसमें देखिएगा फ्लो चार्ट में सबसे पहले ग्लूकोज जो है ना यीस्ट इज एन ए फंजा यीस्ट के माध्यम से इथेनॉल बनेगा यही इथेनॉल जब एसिटिक एसिड एसेट, जब हम बैक्टीरिया के प्रेजेंस में दैट विल गिव राइज टू एसिटिक एसिड और इसी एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करके हम सिरका बनाते हैं और का कम्प्लिकेशन हम लोगों को पता है फिर नेक्स्ट है हमारा रेटिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा आपके बैग्स देखे हैं जूड़ के ठीक है घर में बास्केट देखे होंगे ये सारा कैसे बनता है यहाँ पे ये यह चीज़ याद रखिए कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेपरेशन के टाइम जो है ना फाइबर आपस में यहाँ पर दागे तो हैं इसको आपस में सेपरेट करने के लिए हम पानी में इसको डुबो के रखते हैं और वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ द कोलेस्ट्रेडियम ब्यूटेरिकम इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है ना यहाँ पे इस पानी में इस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे ये फाइबर्स आपस में सेपरेट होता है वो कैसे होता है एक्चुअल में वहाँ पे एक पैक्टिन हमारे पास पैक्टिन इज एन ए कंपाउंड जो कि सीमेंटिंग एजेंट की तरह दो सेल के बीच में कम करता है और यही बैक्टीरिया कोलेस्टेडियम ब्यूटोरिकम जो है ना उस पैक्टिन को डिज़ोल्व कर देगा तो हमारे पास फाइबर्स आते हैं और उस फाइबर के ढेर सारे अपलिकेशनस हैं हम लोग को पता है ठीक है उसी तरह से बैक्टीरिया का रोल आपका क्यूरिंग क्यूरिंग क्या होता है जब आपके टी लीव्स और टाबेक्ो लीव जो होता है ना इनका अप्लीकेशन बहुत देर सारे हम लोगों को पता है तो जब हार्वेस्टिंग के बाद इनकी जो ड्राइंग होती है ना ये जो है आपका माइक्रोकोकस कॉनीडेसन के थ्रू क्यूरिंग होती है और बेसिलस मेगाथेरियम के थ्रू फ्लेवरिंग मीन्स वहाँ पे जो एरोमा है वो मेंटेन हो और इनक्रीज़ हो उसके लिए ये दो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है ये याद रखिएगा नाउ नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज डिस्पोजल सबसे पहले सीवेज क्या होता है हमारे घर से जो गंदे पानी निकलती है और इंडस्ट्री से जो गंदे पानी निकलती है उसमें जो पॉलिटिन या वेस्ट होता है उन्हें हम सीवेज कहलाते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया और अलगी आपके कुछ होते हैं ना इन सीवेज को कुछ आपके सिंपलर सबस्टांस में तोड़ देते हैं जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले क्या होता है जो भी गंदे पानी आते हैं ना उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जितने भी उसमें सॉइल पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे फिर एरिएशन टैंक होता है फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को छोड़ते हैं कुचलगी को छोड़ते हैं जो कि यहाँ पे जो सीवेज होगा ना उसकी इंटेंसिटी को जो गंदगी को थोड़ा सा कम कर देगा और उसमें हमारे जो बैक्टीरिया यूज होते हैं कोलीफॉर्म स्टप्टोकोकाई कोलेस्ट्रेडियम माइक्रोकोकस सिडोमोनास और यहाँ पर हमें ये चीज़ यही याद यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हुआ कि बैक्टीरिया जो है ना पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर देता है ताकि वो सिंपल सब्सटांस अनहार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो और उसे दैट प्रोसेस वी कॉल्टिटिडी ने बायो रेमेडेशन याद रखिएगा बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना रेमेडिशन मींस होता है टू क्लीन अप किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को यूज़ कर ले तो उससे हम क्या कहेंगे वी कॉल्टिडीडी ने बायो रेमेडिशन और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में जो गंगा पानी है वो बहुत शुद्ध कहलाता है इसलिए होता है क्योंकि गंगेटिक वाटर में एक आपका बैक्टीरिया देखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया जो है ना दूसरे माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होता है पेथोजेनिक बैक्टीरिया उनके पॉपुलेशन को चेक करता है उनके पॉपुलेशन को चेक करने का मतलब क्या है यहां पे उनके पॉपुलेशन मींस उन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने नहीं देता फिर उसके नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन मेडिसिन में हमारा है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से हम लोग डिराइव करते हैं और यहाँ पे याद रखिए कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्स्टान्स होते हैं जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इसी प्रोड जो हमारे पास सब्सटान जो प्रोड्यूस हुआ था उसी को यूज़ करते हैं दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम को किल करने के लिए और इन्हें मेजिक ब्लड्स भी कहा जाता है वॉक्समैन ने फॉर द फर्स्ट टर्म एंटीबायोटिक्स दिया था और इन्हें फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहलाते हैं और बैक्टीरिया से सबसे पहले जो हमें एंटीबायोटिक मिला था दैट वॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन और सबसे पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था दैट वॉज पेंसिलिन जिसे वॉन्डर ड्रग भी कहते हैं एंड दैट वॉज डिराइड फ्रॉम फंजाई पेनीसिलम नोटेटम और इसे खोजा था आपका सर एलेक्जेंडर फिल्मिंग ने और बैक्टीरिया जो है ना दूसरे है, हम लोगों ने कहा कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया से डिराइव करके दूसरे बैक्टीरिया को जो पैथोजोनिक होते उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसमें चार ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू वो दूसरे बैक्टीरिया को मारता सबसे पहला ये चीज़ है कि वो सेल वॉल सिंथेसिस ही होने नहीं देता दूसरे सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो नया बैक्टीरिया आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा सेकंड चीज़ प्रोटीन सिंथेसिस ही होने नहीं देता सेकंड चीज़ आपके न्यूक्लिक एसिड का भी सिंथेसिस रोक देता है इन दिस वे एंटीबायोटिक्स वॉक्स इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एंटीबायोटिक्स हैं इनका सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है और किस ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव किया गया था वो दिया हुआ है फिर एक्टिविटी कौन से ऐसे हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव किसके ऊपर इंपैक्ट डालता है और साइड ऑफ एक्शन मीन्स सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है या सेल मेम्ब्रेन को रोकता है या प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता वो सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग वन बाय वन इसको देख सकता हूँ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन पेट्रोलियम पॉल्यूशन देखिए हमें पता है कि पेट्रोलियम पॉल्यूशन कब होगा हमें पता है कि इंडिया हमारा इंडिया हुआ पाकिस्तान हुआ नेपाल हुआ बांग्लादेश हुआ ऐसे सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन नहीं होती है तो वो आपके जो कंट्रीज़ हैं सऊदी अरब हुआ ईरान हुआ इराक हुआ वहाँ से आती है तो वो समुद्री रास्ते से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बड़े बड़े टंकीज टैंक्स में भर भर के मान लीजिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं शिप आते समय वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो सारा टंकी का जो तेल जो है ना वो आपके समुंदर के पानी में बह जाएगा और जिसकी वजह से समंदर के पानी में पॉल्यूशन होगा वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से इक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए बहुत हानिकारक है तो इस पॉल्यूशन को काम करने के लिए हम सिडोमिनास स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजर्ड स्ट्रेन जो है सिडोमोनास पुटीडा दैट वी सुपरबॉग को फॉर द फर्स्ट टाइम आपके इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट डॉक्टर चक्रवर्ती ने यूज करा था और इस इस स्पीशीज क्या कर रहा था ऑयल के पॉल्यूशन इंटेंसिटी को ना कम कर रहा था अनहार्मफुल में देखिए ये बैक्टीरिया है ये अनहार्मफुल प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट कर दे रहा है और सुपरबॉ को फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए ने अलाउ करा था इन नाइनटीन फॉर द रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर नाउ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च देखिए बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीन ट्रांसफर टेक्निक में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है देखिए डायरेक्ट और वैक्टरलेस जीन ट्रांसफर में तो बैक्टीरिया का मोस्टली यूज़ नहीं होता जिसमें हम लोग माइक्रो इंजेक्शन लिपोसोम मेथड या पैक मेथड के थ्रू जीन ट्रांसफर करता है जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था पहले आप इस चैनल पर बायोटेक्नोलॉजी वाले प्ले लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक देता हूँ अगर को देखना इनडायरेक्ट और वैक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में जहाँ पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स बनाते हैं वहाँ में बैक्टीरिया का यूज़ होता है इसको यहाँ से समझिएगा देखिए बैक्टीरिया में प्लास्मिट होता है है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो आपके बैक्टीरिया में होता है यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ना उसमें एक पोर्शन होती है दैट इज कॉल्ड टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए वो मूव करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू अदर सेल और इसी टी डीएनए में हम अपना टारगेट जीन इंसर्ट करके जो है ना जब इसी बैक्टीरिया को हम प्लांट सेल के साथ कल्चर करेंगे तो ये टी प्लास्मिड अपना टी डी ए जो है ना प्लांट सेल में ये वाला पोर्शन ट्रांसफर कर देगा अब ये वाला पोर्शन टारगेट जीन है हमारा डिजायरेबल जीन है हमने ऐसा कुछ इसमें डाला होगा जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा अब आने वाले जितने भी सेल्स में अगर ये टारगेट जीन चला गया ना वो सारे सेल्स में से जितने भी प्लांट्स बनेंगे दैट प्लांट्स नाउ वी कॉलरेडी नहीं कने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और यहाँ पे दो बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज़ किया जाता है एक है हमारा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और दूसरा हमारा बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम राइजोजिन नॉर्मली ये बैक्टीरिया जो है ना प्लांट्स में डिज़ीज़ कॉज करता है मगर हम इसको मॉडिफ़ाई कर देते हैं और मॉडिफ़ाई करके उसमें से जो डिजीज़ कॉजिंग जो है ना क्राउन ग्रौ, गार्ड डिजीज़ और एक्सेसिव रूट हेयर डिजीज़ जो है ना उस वाले जीन को निकाल के हम अपना टारगेट जीन इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह उसमें हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्डन राइस आप लोगों ने सुना होगा जिसमें आपका विटामिन ए की से जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस गोल्डन राइस को आपका अगेन एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करके बनाया गया है यहाँ पर बीच में मैं अपने बुक के बारे में बताऊं टेक्स बुक ऑफ बॉटनी जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपको अलगी फंजे लैक एंड ब्राउट एडिडर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ ये बुक का कवर पेज है और इस बुक की दो यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे ना वो सारे बुलेट पॉइंट फॉर्म में है पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल नहीं है और एक दूसरा चीज इस बुक में मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है ना विद ब्यूटीफुल कलरफुल डायग्राम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ये बुक का एस नंबर है और इसी के साथ अगर आपको बी के मेरे सारे वीडियोस अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक है वहां से जाकर आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा वो सारे हमें फायदा दे रहा था दैट दे वर यूजफुल एक्टिविटीज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया इसमें सबसे आता है हमने पहले कहा था कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है फिक्सेशन कराता मगर ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है वो कैसे जैसे कि हमारे पास पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था ये नाइट्रेन जो है ना एब्जॉर्बल फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करता मोस्ट ऑफ द प्लांट इसमें कुछ आपके दूसरे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम डी बैक्टीरिया डी बैक्टीरिया कहते हैं ये क्या करता है जो प्लांट के लिए एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है ना इसको अगेन कन्वर्ट कर देता है किस में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में जिसका कोई यूज़ नहीं है प्लांट के लिए और आपका आता है बेसिलस नाइट दूसरा है माइक्रो कोकस डी थायोबेसिलस डी ये कुछ बैक्टीरिया हैं और इनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है उसी तरह से हमारे पास खाना हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो खाना खराब हो जाता है एक्चुअली वहाँ पे आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपके ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग भी होती है फूड पॉइजनिंग दैट वी कॉल्ड इन फूड पॉइजनिंग इज़ एक्चुअली कॉज बाय एक बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रेडियम भोटोनियम इसीलिए कहा जाता है कि जो बासी रोटी है या बासी खाना जो है पुराना खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप में वहाँ पर कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया वो ग्रो करने लगते हैं अगर कोलेस्ट्रेडियम भोटोनियम अगर आपका ग्रो करा तो आपको फूड पॉइजनिंग होगी जिसमें आपको वॉमिटिंग होगी ये सिम्टम्स देख सकते हैं अल्टीमेटली पैरालिसिस होती है फिर लास्ट में डेथ भी हो सकता है इसीलिए पुराना खाना जो है हमें हम लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए उसी तरह से इकोलाई जो होता है ना वाटर में अगर प्रेजेंट हो एक्सेस अमाउंट में दैट विल एक्टेट पॉल्यूशन इंडिकेटिंग उसी तरह से हमारे पास ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में भी एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी यहाँ पे कुछ मैंने स्पेसिफिक कुछ फेमस देखा जैसे कि क्लेरिया आप लोगों ने सुना होगा दैट इज़ कॉज बाय विब्रियो कलेरिया टाइफाइड दैट इज कॉज बाय साल्मोलेना टाइफाइड डाइसेंट्री एक बीमारी है दैट इज़ कॉज बाय शिगीला डायसेंट्री टेटेनस जो है आपका कोलेस्टेडियम टेटेनाई की वजह से होती है क्लोसिस टी जैसे हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉज बाय माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर तो ये ऐसे डिजीज है जो ह्यूमन में होता है हमारे पास कुछ डिजीज़ है जो आपके प्लांट्स में होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस दैट कॉज क्रॉनगॉल डिजीज़ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन हैरी रूट डिजीज़ प्लांट्स में होता है प्लांट में रूट जो है ना वो एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा जो कि उस प्लांट के लिए फिर बाद के लिए हार्मफुल होगा जेंथोमोनासाइक दैट कॉज स्ट्रेस कैंकर उसी तरह से लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो कि जेंथोमोनास और से होता है रिंग स्पॉट ऑफ पोटाटो दैट इज कॉज बाई जेंथोमोनास और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊँ जितने भी वीडियोज में बनाता हूँ ना बहुत ही मेहनत से बनाता मुझे हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए लास्ट में यूज ऑफ बैक्टीरिया एज ए बायोलॉजिकल वेपन हार्मफुल एक्टिविटीज़ में देखिए वेपन हम लोग कब यूज़ करते हैं जंग के समय यूज़ करते हैं जंग में एक दूसरे को दुश्मन को मारने के लिए यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल वेपन मीस यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री को हानि पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कुछ जो बैक्टीरिया हैं बेसिलस एंथरिस साल्मोलिना टाइफेमेरियम शीगिला स्पीशीज विब्रियोक्लोरी ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे कंट्री जो है वो परेशान हो जाए उनकी कंट्री में जो है ना उस बीमारी से लड़ने में सारा उनका एनर्जी डाइवर्ट हो तो दूसरा वाला कंट्री उनसे आगे चला जाए तो सो मच